चलिए अब बात करेंगे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आईआईटी जेई में 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिहेवियर ऑफ एल्कली मेटल्स, इनफैक्ट एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बिहेवियर भी पढ़ेंगे इन लिक्विड अमोनिया। तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। ऑब्वियसली रूम कंडीशन पर तो अमोनिया गैस के फॉर्म में होता है। लिक्विड अमोनिया के लिए टेम्परेचर हैज टू बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। समवेयर लिक्विड अमोनिया लगभग -50-60 डिग्री सेल्सियस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट ए टेम्परेचर अराउंड -50 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी लो टेम्परेचर पर ये जो मेटल मान लो एम है, एल्कली मेटल, ये लिक्विड अमोनिया एक्स प्लस वाई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं NH3 लिक्विड के फॉर्म में। इट फॉर्म्स एम NH3 एक्स प्लस अमोनिएटेड। एम मतलब अमोनिएटेड, पानी ना है इसमें, इसमें कहीं भी पानी नहीं है। लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल को डिसॉल्व किया है एंड दैट वुड बी इक्वल टू ई NH3 y एम माइनस, दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड कैटायन एंड दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सॉल्यूशन एक बढ़िया कंडक्टर भी बनता है। सच सॉल्यूशंस आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज गुड कंडक्टर एज मैनी मेटल्स। हालांकि किसी भी सॉल्यूशन से, मान लो NaCl पानी में डुबो, एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, उससे तो बहुत बहुत बेहतर है ये कंडक्टर। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन से बेटर कंडक्टर होते हैं ये, और इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैनी मेटल्स। ऑफकोर्स नॉट लाइक सिल्वर गोल्ड बट स्टिल लाइक मैनी मेटल्स। तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मेटल्स, जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल को डिजोल्व करोगे तो अमोनिएटेड सोडियम कैटायन बनेगा और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कंडक्टर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक हो गया एंड सॉल्यूशन बिकम्स कलर्ड। तो यहां पर लिखेंगे सच डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ब्लू कलर्ड। ये कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लू कलर, ब्लू कलर्ड, हाईली कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड कैटायंस। एंड पैरामैग्नेटिक, देखो कई सारी प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे सॉल्यूशंस पैरामैग्नेटिक हैं, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हैं, इट इज एज गुड कंडक्टर एज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर भी कैसा बिहेव करता है ये, इट इज ए मेटालिक कंडक्टर, सॉल्यूशन बिहेव्स एज ए मेटालिक कंडक्टर, बिहेव्स एज मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्यों, जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, यहां भी एक तरीके से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। सो इट इज बिहेविंग लाइक मेटालिक कंडक्टर। तो इट एज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज मैनी मेटल्स, मैनी मेटल्स। तो ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाईली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग है एंड इट इज पैरामैग्नेटिक। पॉइंट वाइज लिखते जाएं, दीज आर ऑल, इन्हीं के ऊपर तो क्वेश्चंस बनते हैं, लिखते जाएंगे और पॉइंट्स जो भी आएंगे। अच्छा सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी देन लिक्विड अमोनिया,
मतलब सॉल्वेंट से कम डेंसिटी है, जनरली सॉल्यूशंस की डेंसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेंसिटी इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अमोनिया. इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स. सॉल्यूशन के अंदर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल मारते हैं, तो वो रिपल्शन के कारण उनके बीच में अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैविटीज बन जाती हैं और कैविटीज की वजह से डेंसिटी घट जाती है. तो ये याद रखना है, सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी. फैक्ट तो यही है, सॉल्यूशन हैज लोअर डेंसिटी देन द लिक्विड अमोनिया. इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटीज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स. तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बन जाते हैं. अच्छा, सॉल्यूशन को अगर कंसेंट्रेट करो तो पैरामैग्नेटिक नेचर घटता है. अराउंड 3 m, 3 molar, 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन बिकम ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक एंड बिकम्स ब्रॉन्ज कलर्ड. ऑन कंसेंट्रेटिंग सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीजेस. पैरामैग्नेटिक नेचर डिक्रीजेस अराउंड 3 m कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन बिकम्स डायमैग्नेटिक एंड ब्रॉन्ज कलर्ड. डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू था और कलर उसका चेंज हो जाता है, इट बिकम्स ब्रॉन्ज कलर्ड. तो अराउंड 3 m कंसेंट्रेशन पर सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो जाता है. तो जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे पैरामैग्नेटिक नेचर घटेगा. मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट पेयरिंग अप, और पेयरिंग अप होगा तो पैरामैग्नेटिक नेचर विल डिक्रीज. तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और भी एक दो पॉइंट्स आएंगे. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इसके ऊपर. अभी और भी पॉइंट आएगा, एक बार नोट करो इसको, नोट इट डाउन. अच्छा, सॉल्यूशन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है. रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होंगे. जैसे मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसे ही दीज सॉल्यूशंस आर आल्सो द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन बिहेव्स एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है. साथ ही साथ सॉल्यूशन वैसे तो स्टेबल होता है, इन एब्सेंस ऑफ एनी मेटल कैटायंस इट इज स्टेबल, बट रखे रखे डिकम्पोज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट मेटल कैटायंस. तो लिखेंगे इस बात को, ऑन स्टैंडिंग the blue solution slowly fades away due to formation of metalamide and H2 gas. So on standing the blue solution slowly fades away.
तो जैसे क्या था, सॉल्यूशन इस टाइप का हो गया, जैसे एम प्लस अमोनिया लिक्विड, एम एन एच टू प्लस एच टू गैस, मेटालामाइड इज फॉर्म्ड। स्लोली ये ब्लू कलर धीरे धीरे घटता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या घट जाती है। अच्छा, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय मेटल आयन इंप्यूरिटीज लाइक, कौन से मेटल आयन इंप्योरिटीज या मेटल इंप्योरिटीज बोल दो, तो मेटल इंप्योरिटीज लाइक आयरन, प्लेटिनम, जिंक एटसेट्रा। इन एब्सेंस ऑफ दीज मेटल्स सॉल्यूशन इज स्टेबल। सॉल्यूशन डिकम्पोज नहीं होगा अगर वेरी प्योर सॉल्यूशन है। यही जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन था। अगर बहुत प्योर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, नो इट विल नॉट डिकम्पोज, इट विल नॉट गिव हाइड्रोजन। बट उसमें अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हुई, कौन सी, आयरन प्लेटिनम जिंक टाइप की, तो वो कैटेलाइज करते हैं इस रिएक्शन को और डिकम्पोजन हो जाता है, ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता है। तो गाइज, ये कुछ फीचर्स थे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया। सो दिस हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पूरा इंपॉर्टेंट था, इस पर ये आईआईटी में पॉइंट आ चुका है, अगेन इंपॉर्टेंट, नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन। गाइज, अब देखो, हमने जनरल बिहेवियर एल्कली मेटल्स का पढ़ लिया, अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बाकी हैं। बट एल्कली मेटल्स में, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि लिथियम कई मायनों में, कई पॉइंट्स पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से इसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज काफ़ी कुछ चेंज हो जाती हैं। इनफैक्ट इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, तो इट शोज मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड शोज एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज विच आर नॉट शोन बाई और विच आर नॉट एग्जिबिटेड बाई रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। तो हेडिंग लिखो, ये एनसीईआरटी ने बहुत जोर शोर से लिखा हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिख के सब कुछ इंपॉर्टेंट ही तो है सर, आप तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही बताते जाते हो। है तो बताऊंगा, और जेई मेन तो आप ढूंढ ढूंढ के एनसीईआरटी में से लाइनें ढूंढता है, लाइनें, इतने सारे पेपर बनाने होते हैं, वो भी बोर हो जाते हैं पेपर बना बना के एनटीए वाले। तो एनटीए बॉडीज की जो होती हैं उनसे कहा जाता है कि भाई ढूंढ ढूंढ के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बना दो, देखो यार एनसीईआरटी में से देख लो, और बच्चे को एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस का भी मालूम पड़ेगा। तो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं। सो द ओनली बुक दैट इज रिकमेंडेड फॉर यू ऑल for the preparation of the JE main as well as JE advanced is NCERT. बाकी हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, उसके बगैर थोड़ी काम चलेगा। समझ में तो जब ही आएगा जब हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ोगे। तो लिखो, anomalous properties of lithium. Anomalous properties of लिथियम, लिथियम का बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। तो एक्सेप्शनल नेचर, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, फर्स्ट, इट्स स्मॉल साइज, सेकेंड, हाई पोलराइजिंग पावर, ऑफ Li प्लस, Li प्लस आयन की हाई पोलराइजिंग पावर होती है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड आयनिक पोटेंशियल।
कई बार ये वर्ड यूज करते हैं आयनिक पोटेंशियल, बाकी पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। कहाँ पढ़ा ये पोलराइजिंग पावर? फजांस रूल। फजांस रूल कहाँ पढ़ा था आपने? केमिकल बॉन्डिंग में। मैंने पहले कह चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब 20-30% तो केमिकल बॉन्डिंग ही आ जाता है उसमें, तो हमेशा याद रखें। तो ये पोलराइजिंग पावर थी। अच्छा, इसमें जैसे एज अ रिजल्ट शोज कोवेलेंट करेक्टर, हाई कोवेलेंट करेक्टर इन द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ लिथियम शोज हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस। कहा तो सही ऊपर। जैसे क्या? जैसे लिथियम इज मच हार्डर। लिथियम को आप जैसे सोडियम पोटेशियम है, इतनी सॉफ्ट मेटल है कि नाइफ से कट कर लो, नाइफ छोड़ो, सोडियम के टुकड़े पर साबुन जैसा होता है, नाखून है, अगर माचल नाखून थोड़े बड़े हुए, नेल्स, नेल्स से आप अपना नाम लिख लो, आलोक कुमार। समझ रहे हो बात को? तो इतना सॉफ्ट होता है, इतनी मतलब सॉफ्ट मेटल्स हैं, क्यों? साइज लार्ज है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, बट लिथियम इज रिलेटिवली हार्डर। तो लिथियम इज मच हार्डर देन रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेस रिएक्टिव। ये सब किसके कंपैरिजन में है? इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। एक्सेप्शनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो लिथियम इज मच हार्डर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन रेस्ट ऑफ द मेटल्स, लेस रिएक्टिव देन रेस्ट ऑफ द मेटल्स, डेलिक्वेसेंट है, डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स होते हैं इसके ऑफ लिथियम एंड फॉर्म्स हाइड्रेट। जैसे LiCl डॉट 2H2O, NaCl, KCl एटसेट्रा डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स। हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी लिथियम की होती है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो जितना मेटल आयन छोटा होगा उसका हाइड्रेट होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी फजांस रूल है, ये भी हम बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के एंड में पढ़ते हैं, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। तो लेस रिएक्टिव, डेलिक्वेसेंट कंपाउंड्स ऑफ लिथियम एंड फॉर्म्स हाइड्रेट, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है ये। जैसे एयर में Li3N बनाता है, फॉर्म्स Li3N एंड Li2O व्हेन हीटेड इन एयर। बाकी के मेटल सोडियम पोटेशियम केवल ऑक्साइड या परऑक्साइड बनाते हैं, वो नाइट्राइड नहीं बनाते। रेस्ट ऑफ एल्कली मेटल्स डू नॉट, रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड इन एयर। एयर में हीट करने पर वो नाइट्राइड नहीं बनाते, केवल लिथियम बनाता है। तो ये सब एक्सेप्शनल बिहेवियर तो हैं। जैसे और लो, LiHCO3 सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करता एग्जिस्ट, बाकी सभी सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात मैं बता चुका हूं, लिखते जाओ। ये सब NCERT के पॉइंट्स हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेंगे। ये NCERT में वेल मेंशन्ड हैं, मैंने भी वहीं से नोट किए हैं और समझा रहा हूं आपको साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूछे जाएंगे, जरा इनको नोट करो, अभी और भी पॉइंट्स आएंगे। ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। जैसे लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, बट सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जरा नोट करेंगे इस सबको।
और जैसे नो रिएक्शन विद C2H2 अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स, मतलब सोडियम है, बता चुके हैं C2H2 एसिडिक हाइड्रोजन है ये, जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा सोडियम डिस्प्लेस करेगा, Na2C2 सोडियम एसिटिलाइड बना देगा एंड हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व आउट। नहीं, लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, एक्सेप्शनल बिहेवियर तो है ये। नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, LiNO3 सॉलिड को डिकम्पोज करो तो Li2O बना लेगा, साथ में NO2 गैस, O2 गैस, ये एक्सेप्शन ही तो है। सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग था, पोटेशियम नाइट्रेट का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। साथ ही साथ इनफ कोवेलेंट करेक्टर जैसे Li2O, LiF आर मच लेस सॉल्युबल इन वॉटर, अनलेस इन वॉटर अनलाइक ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल्स। तो बाकी की अल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स फ्लोराइड्स अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं, लिथियम के फ्लोराइड ऑक्साइड बहुत बहुत कम पानी में रिलेटिवली लेस सॉल्युबल हैं। तो ये थे लिस्ट ऑफ एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। अच्छा, लिथियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बट शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, उसे भी नोट करेंगे। पहले ये पूरी बात लिखेंगे, नोट इट डाउन। लिखो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, सिमिलैरिटीज हैं ये। बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है ये, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, खासकर ये मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम और ये कार्बन है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड, ये है डायगोनल रिलेशनशिप। दिस पेयर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, दिस पेयर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, बोरॉन एंड कार्बन भी कई रेस्पेक्ट में सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सो दीज आर डायगोनल रिलेशनशिप पेयर्स। तो डायगोनल बस जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, क्यों शो करता है वो भी बात करेंगे, बिकॉज ऑफ द नियरली सेम साइज एंड सेम साइज ऑफ द आयंस। ऐसी बेरिलियम और एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टीज काफी कुछ सिमिलर होंगी, ये भी हम पढ़ेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी तो पढ़ना है, तो लिखेंगे इस बात को, सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर ड्यू टू देयर सिमिलर साइज। कौन सा सिमिलर साइज, जैसे लिथियम का साइज देखें तो 152 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम इज नियरली 160 पिकोमीटर, बट यहीं पर अगर लिथियम आयन का साइज देखें तो दिस इज 76 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम 2 प्लस और भी छोटा होता है 72 पिकोमीटर। अच्छा, ये साइज भी IIT ने एक बार पूछ लिया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये फैक्ट के रूप में याद रखें, फैक्ट के रूप में। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो वहां भी मैंने ये जरूर बताया होगा फैक्ट के रूप में कि मैग्नीशियम 2 प्लस इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू लिथियम प्लस।
तो Mg पर 2 प्लस चार्ज होने की वजह से साइज थोड़ा घट जाता है, 72 पिकोमीटर, ये 76 पिकोमीटर, 76 पिकोमीटर। तो नियरली सेम साइज होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग पावर सिमिलर होती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, मेटालिक बॉन्डिंग का नेचर भी काफी कुछ सिमिलर टाइप का होता है। यही कारण है कि दे शो द डायगोनल रिलेशनशिप और सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। नोट करो तो कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, आई विल टेक द एग्जांपल्स, नोट इट डाउन। जैसे क्या, जैसे बोथ, बोथ कौन, लिथियम एंड मैग्नीशियम, समझ जाओ हेडिंग क्या था, सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो बोथ आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स, then other elements in respective groups, both react slowly with water, दोनों slowly react करते हैं, बाकी rest of the elements of the alkali metals and alkaline metals violently react करते हैं पानी के साथ में। बोथ फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड ऑन कंबस्शन इन एयर, जैसे लिथियम है आप बर्न करो, कंबस्शन कराओ एयर में, एयर मतलब O2 एंड N2, यही तो है एयर, तो Li3NB बनेगा और Li2O बनेगा मेजरली। और जबकि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, O2 और N2, एयर से वापस से इसको हीट करोगे तो Mg3N2 बनेगा प्लस MgO बनेगा। अच्छा ये मैंने बताया हुआ है कि ऑक्साइड्स को पानी में डिजोल्व करोगे तो दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, और जबकि नाइट्राइड्स को पानी में डिजोल्व करो तो दे लिबरेट अमोनिया गैस। ऐसे करके लिख दो, मान लो यही है, इसे पानी से रिएक्शन कराओ तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस PPT बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। तो एनी मेटल नाइट्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इन द प्रॉपर्टीज। अच्छा और बात करें, दोनों के कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन सिमिलर टाइप का है, Li2CO3 को हीट करोगे तो भी Li2O प्लस CO2 इज वॉल्ड आउट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो भी सिमिलर बिहेवियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 इज वॉल्ड आउट, सिमिलर बिहेवियर ऑफ देयर प्रॉपर्टीज देयर कंपाउंड्स, बोथ डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स। दोनों ही सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाते, सिमिलैरिटीज चल रही हैं ये बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, बोथ आर इनफ कोवेलेंट। एंड डिजॉल्व इन एल्कोहल और एसीटोन, एल्कोहल एसीटोन इस तरह के सॉल्वेंट में ये आसानी से घुल जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई कोवेलेंट नेचर, दोनों में कोवेलेंट नेचर ज्यादा है बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, फजांस रूल, पोलराइजिंग पावर इज मोर, बोथ आर डेलिक्वेसेंट मतलब एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, तो एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द मॉइस्ट एयर, डेलिक्वेसेंट हैं जैसे LiCl.2H2O, जैसे MgCl2.8H2O, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है ये,
और ये हाइड्रेट्स कहलाते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड, याद रखो NaCl इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट एक ही बात होती है, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना। बट कभी कभी तो आप ऐसे बोलते हो कि खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसको, वो तो बरसाती मौसम में मॉइस्चर थोड़ी ज़्यादा होती है तो गीला हो जाता है, तो उतना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। सर आप तो कह रहे हो कि NaCl मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता। नहीं, NaCl नहीं करता, बट जो खाने वाला नमक होता है उसके अंदर MgCl2 की इम्प्योरिटीज़ होती हैं और MgCl2 इज़ हाइग्रोस्कोपिक, तो लिख भी देंगे टेबल सॉल्ट मेनली NaCl होता है, वो हैज सम अमाउंट ऑफ सम इम्प्योरिटीज या सम अमाउंट ऑफ MgCl2 विच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। And become wet in rainy season. बरसाती मौसम में, रेनी सीजन में टेबल सॉल्ट मेनली NaCl होता है, बट थोड़ा सा उसमें MgCl2 होने की वजह से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और गीला हो जाता है। नमकदानी में से नमक, कई बार सब्जी में नमक कम होता है तो नमकदानी लेते हैं हम और थोड़ा डालते, निकलता ही ना है, पर ढक्कन खोलते हैं पर डालते हैं, बहुत सारा गिर जाता है, सब्जी ख़राब हो जाती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेबल, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेबल सॉल्ट मेनली कंटेन्स व्हाट, खाने वाला नमक, व्हाट, सोडियम क्लोराइड, बट सोडियम क्लोराइड इज़ नॉट हाइग्रोस्कोपिक, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में और इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड बिकम्स वेट इन द रेनी सीजन। So this is an important point as a question you should remember. ये क्या indicate कर रहा है? Properties of lithium salts are different from rest of the alkali metal salts. Note करें इन points को, एक